गाइस यहाँ पर Redmi 12 5G या फिर Poco M6 Pro यूज़ करते हो अगर आप इंडिया में या फिर ग्लोबल में, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिली है। अगर आप रीनेम ट्रिक से यूरोप के अपडेट में या फिर ग्लोबल के अपडेट में जा चुके हो और इवन अगर यहाँ पर इंडिया के अपडेट में वापस आना चाह रहे हो, तो भाई यहाँ पर कुछ एरर्स देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे यूजर्स यहाँ पर वापस नहीं आ पा रहे हैं। मतलब रीनेम वाली ट्रिक से इंडिया में जो अपडेट आया है उसमें वापस नहीं आ रहे यूरोप वाले अपडेट से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या आप वापस आ सकते हो या फिर आपको मतलब कुछ ट्रिक लगाना होगी या फिर वेट करना होगा। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक जरूर दे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं कि यहां पर क्या दिक्कत आ रही है, क्या एरर्स आ रहे हैं। तो मैंने यहां पर आपके लिए दो फाइल्स को डाउनलोड करके रखा है और रीनेम वाली ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों आ रही है, हम क्यों वापस नहीं जा पा रहे हैं। अभी आप देखोगे ये इंडिया में जो रिसेंटली अपडेट आया है ये भी मैंने डाउनलोड करके रखा है, 1.0.4.0 इंडिया का अपडेट है। इसकी पूरी जो फुल रिकवरी रोम है वही आपको भी डाउनलोड करना कभी भी अगर आपको ये चीज़ करना हो। तो दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हो ये दो फाइल्स हैं जिसमें ए और बी, मैंने इसको जो है नाम चेंज कर दिया है। ए फाइल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मतलब यूरोप का मैं अपडेट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो ए फाइल है वो यूरोप का अपडेट है, बी फाइल जो है वो इंडिया का अपडेट है। तो मैं रीनेम वाली ट्रिक आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो एरर्स आ रहे हैं काफ़ी सारे यूजर्स को, तो वो एरर मुझे भी देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, और ये एरर अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या हम रीनेम वाली ट्रिक से कभी वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको लाइव मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। वीडियो अनकट रहने वाला है इसलिए लास्ट तक का इसको ज़रूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसकी मदद से काफ़ी सारे यूजर इंडिया में ग्लोबल में, ग्लोबल से इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज में जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फ्लैश करके दिखाता हूँ। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप देखोगे ये यूरोप का वर्जन है, 1.0.5.0 ये स्टिल मतलब रिलीज किया गया था, तो मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी भी एक फाइल डाउनलोड करके रखी है, चूज अपडेट पैकेज के थ्रू जो है वो हम इनको मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये फाइल जो है वो काम कर रही नहीं कर रही। तो ए वाली जो फाइल है उसका नाम जो है मैंने मतलब यूरोप वाली फाइल का नाम जो है वो ए कर दिया है। अभी आप देखोगे यहाँ से यहाँ पर रिट्रीविंग इन्फो चल रहा है, ये सर्वर से वेरीफाई कर रहा है शाओमी के ये फाइल सही है सही नहीं है। तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये फाइल बिल्कुल ठीक है या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको लेटेस्ट ही डाउनलोड किया है। तो आप देख सकते हैं इस अपडेट को यहाँ पर फ्लैश करने के लिए यहाँ पर रेडी कर दिया गया है। अभी आप देखोगे योर डिवाइस विल अपडेट टू सिस्टम वर्जन 1.0.5.0, मतलब मैं यही अपडेट यूज कर रहा हूँ। अब मैं आपको रीनेम वाली ट्रिक अप्लाई करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये काम कर रही नहीं कर रही है। तो कैसे करते हैं उसके लिए आपको 3 डॉट पे चूज अपडेट पैकेज, देन यहाँ पर आपका जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो पोको M6 Pro हो सकता है या फिर Redmi 12 5G अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली यहाँ चले जाना है जिस फोल्डर में आपने फाइल को रखा है। तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाकर इन दोनों फाइल्स को यहाँ पर जो है रख दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो यहाँ पर मैं ए वाली फाइल को तुरंत सेलेक्ट करूँगा, तुरंत सेलेक्ट करके तुरंत वापस जाऊँगा सेम वही फोल्डर पर। इस ए वाली फाइल का नाम हमें चेंज करके क्या कर देना है, इस ए वाली फाइल का सी कर देना है और जो बी फाइल है उसका नाम हमें ए कर देना है, क्योंकि रीनेम वाली ट्रिक से यही होता है, बी वाली फाइल का नाम ए कर देना, बस तुरंत एकदम इस विंडो पे वापस आ जाना है, इतना हमें करना है। ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस रहता है क्योंकि ये जो रिट्रीविंग इन्फो चल रहा है ये चलता रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसने जो है वो यहाँ पर इसको डिटेक्ट कर लिया है। अब मैं अगर अपडेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये एरर सारे यूजर्स को देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही आ रही है, कांट वेरीफाई अपडेट और कुडंट वेरीफाई द अपडेट पैकेज। हालांकि मेरी दोनों रोम जो मैंने डाउनलोड की बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी एरर रोम्स में नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट रोम है और वो यहाँ पर चेक भी हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से हम जो है इंडिया के अपडेट में वापस नहीं आ पा रहे हैं। देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, अगर हम किसी भी अपडेट में रीनेम वाली ट्रिक से जा रहे हैं तो वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक अपडेट वर्जन जो है वो अप होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 1.0.5.0, तो यहाँ पर 1.0.5.0 की जगह 1.0.6.0 होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अगर 1.5.0 की जगह 1.0.4.0 है जो कि इंडिया में ही रिलीज किया गया, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पर अप होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर रीनेम वाली ट्रिक से जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा पाओगे क्योंकि आपको यही एरर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है, मतलब अगर यहाँ पर अभी आप देखोगे इस वाले अपडेट में अप्रैल का चल रहा है यानी कि 4 मंथ का, तो इंडिया में 5 मंथ का होना चाहिए तभी आप वापस जा पाओगे। ये चीज़ जो है वो सारे डिवाइस पर एप्लीकेबल है, मतलब ऐसा नहीं है मैं आपको रेडमी 12 5G के बारे में बता रहा हूँ, ये सारे डिवाइसेज में काम करती है। अगर आपका जो वर्जन है वो यहाँ पर अप है, हालांकि अगर आपका ये वाला वर्जन डाउन भी है तो भी चलेगा।
अगर 1.0.5.0 की जगह 1.0.4.0 है कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है वो अप होना चाहिए, जिससे सिस्टम को लगे हाँ कि हम नए अपडेट में जा रहे हैं। अगर ये सिस्टम सेम, मतलब इसका जो सिक्योरिटी पैच है वो सेम रहेगा, क्योंकि इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में जो 1.0.5.0 की जगह 1.0.4.0 आया है, जो कि रिसेंटली अभी जस्ट रिलीज किया गया कुछ ही दिनों पहले, तो उसमें भी आपको अप्रैल का ही सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो मैं अपडेट अभी यूज़ कर रहा हूँ यूरोप वाला, इसके अंदर भी आपको यहाँ पर अप्रैल का ही सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ये अपडेट फ्लैश नहीं हो पा रहा है। और एक इशू और भी हो सकता है कि जो इंडिया का अपडेट चल रहा है, कि काफी सारे यूजर्स ने मुझे कमेंट भी किया है कि यहाँ पर जो है एक एरर देखने को मिल रहा है, लेटेस्ट पैकेज भी इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि इंडिया का अपडेट सस्पेंड कर दिया हो, क्योंकि अगर सस्पेंड कर देते तब भी यही एरर जो है यही मैसेज देखने को मिलता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर कोई एक नया अपडेट आने दो, जब तक नया अपडेट आता है उसके बाद आप रिनेम वाली ट्रिक से वापस जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप यूरोप वाले या फिर ग्लोबल वाले अपडेट में आ गए हो, एक नया अपडेट और आने दो इंडिया वाला, या फिर हो सकता है कि ये अपडेट इंडिया का सस्पेंड कर दिया हो 1.0.4.0। तो अब यहाँ पर अगर इसको भी रिलीज करेंगे दोबारा से, अगर सिक्योरिटी पैच नया होता है तो अपडेट आपको मिल जाएगा और आप रीनेम वाली ट्रिक से इंडिया में वापस आ जाओगे। तो आपको कभी भी अगर रीनेम वाली ट्रिक अप्लाई करना हो तो आपको हमेशा ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी पैच जो है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सेम सिक्योरिटी पैच चल रहा है, अगर इंडिया में भी सेम सिक्योरिटी पैच है, ग्लोबल में जो अपडेट आया उसमें भी सेम ही है, तो भाई ग्लोबल में आप चले तो जाओगे लेकिन वापस नहीं आ पाओगे। वापस जब ही आ पाओगे जब इंडिया में दोबारा कोई अपडेट रिलीज किया जाएगा और उसका सिक्योरिटी पैच अपडेट उससे अप होगा, तभी आप वापस आ सकते हो। तो भाई ये छोटा सा, मतलब ये कंफ्यूजन था काफी सारे यूजर्स के बीच, जिसकी वजह से काफी सारे यूजर्स बोल रहे थे कि भाई मेरा फोन खराब हो गया या फिर मैं वापस नहीं आ पा रहा हूं। डेफिनेटली आप वापस आ पाओगे, लेकिन भाई एक अपडेट का आपको वेट करना होगा। और कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी सामने आई है, इंडिया का जो अपडेट है हाइपरओएस का, जो यहां पर सेकंड थर्ड वाला रिलीज किया गया, वो सस्पेंड हो गया है, क्योंकि वहां पर अगर रिफ्लैश भी कर रहे हैं तब भी वहां पर एरर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो भाई थोड़ा सा वेट करो, एक नया अपडेट आएगा, उसके बाद अगर आप यूरोप में हो या फिर ग्लोबल में हो तो आप वापस आराम से इंडिया के अपडेट में आ जाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको लॉट्स ऑफ वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।